अब हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड फ्री BHMS कॉलेज पार्ट टू में बाकी बचे हुए लिस्ट कि कौन कौन से कॉलेज हैं बॉन्ड फ्री होम्योपैथी कॉलेज। तो 8 नंबर में आता है हमारा डॉक्टर अलू रामालिंग गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो ये भी आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पे एनुअल चार्ज 3882 है, यानी 3800 कुछ समथिंग, तो 4000 के अराउंड। सो ये भी हमारा आंध्र प्रदेश में है। इसका एनुअल चार्ज कितना है 3882, ठीक है, 4000 के अराउंड। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर पे आता है स्टेट लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथी मेडिकल, ये इलाहाबाद में है और इसका बहुत ज़्यादा चार्ज है, बट फिर भी इलाहाबाद में है और इसका एनुअल चार्ज है 23,805.50। सो और सॉरी 15,000 है एनुअल चार्ज और एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू हैव टू पे 23,850 एज अ एडमिशन चार्ज। सो टेन नंबर पे हमारा आता है नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ, एनुअल चार्ज और एडमिशन चार्ज दोनों ही 19,000। ठीक है, एलेवन नंबर पे DND होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता वेस्ट बंगाल, ये बहुत अच्छा कॉलेज है और यहाँ पे अच्छे लोकेशन में भी है कोलकाता में, तो आपको कोई और कॉलेज अगर अलॉट होता है तो आप अपग्रेड करवा लेना यहाँ पे। और इसका जो एनुअल चार्ज है वो भी बहुत कम है, वो है 3,100 लाइक 3,000 के अराउंड। फिर 12 नंबर पे आता है महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल होरा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो यहाँ का एनुअल चार्ज भी बहुत कम है एंड दैट इज 5,300। सो ऑल आर द बॉन्ड फ्री मेडिकल कॉलेज, इफ यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन देयर तो आपको बहुत कम चार्ज लगने वाले हैं और अच्छा बेस्ट डिसीजन भी होगा पार्सल ड्रॉप के लिए, बट मेक श्योर यार अगर पार्सल ड्रॉप ले रहे हो, सोच रहे हो कि जाकर मेरे को प्रिपरेशन करना ही है, तो प्लीज़ करना ही करना यार। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं सच बता रही हूँ कि वहाँ जाने के बाद किसी सिचुएशन की वजह से हम वहीं पे रह जाते हैं, तो इसलिए बेस्ट से बेस्ट कॉलेज का चॉइस भी करना। 13 नंबर पे आता है बीजू पटनायक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गंजम ओडिशा, ओके। तो इसका एनुअल चार्ज और एडमिशन चार्ज, जो एनुअल चार्ज है वो 10,000 है और एडमिशन चार्ज है वो 14,000 है। नेक्स्ट 14 नंबर पे आता है
जी एच एम सी एच होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये गोड्डा में है। जब पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉलेज का नाम बता रहा है, काउंसलिंग के टाइम पे कॉलेज का नाम लिखा रहेगा, तो वहाँ पे देखना कि कॉलेज का नाम और ये कहाँ पे लोकेटेड है, उस पर पकड़ में आ जाता कि हम वो कॉलेज। तो वही गोड्डा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये झारखंड में है। झारखंड वाले यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आ सकते हैं, उनका कम ही मार्क्स में यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही कम है, इसका चार्ज बहुत ज़्यादा कम है, 2000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। नेक्स्ट आता है 15 नंबर पे जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बी ब्लॉक डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली। ओके, तो इसका भी चार्ज बहुत कम है, लाइक 3120 एडमिशन चार्ज, और एनुअल भी यही लगने वाला है 3120। ठीक है, सो एनुअल एडमिशन और एनुअल कितना लगने वाला है, 3120, यानी कि बहुत कम, 3000 के अप्रॉक्स में। फिर हमारा 16 नंबर पे आता है, और आई गेस ये लास्ट है, ओडिशा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, संभलपुर उड़ीसा, ये है इसका जो लगने वाला है वो एडमिशन चार्ज 15,000 और एनुअल 10,000। यू स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड यस ज़्यादा टेंशन मत लीजिए अगर कम भी मार्क्स आया हुआ है नीट में तो भी। कभी कभी बेस्ट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए सोच के आराम से आप कहीं पे एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि ड्रॉप करने से तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह है। लेकिन आपके अंदर में अगर है कैपेबिलिटी है कि आप एक और ड्रॉप ले सकते हैं तो आप बेशक ड्रॉप लीजिए। सो थैंक यू, और फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब।